अभी का हाल ये है कि यहाँ पे मैंने सेकंड बार के जो कपड़े थे वो धोने डाल दिए और फर्स्ट बार के सुखा दिए। ये देखो अभी बस पानी ले रही है मशीन, ये यहाँ पे सुखा दिए। हेलो, जय गुरुदेव रिसा। हमारे चैनल राजपूत रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बस फिर से एक नया दिन, एक नया सवेरा और शुरुआत करते हैं हमारे एक नए ब्लॉग की। तो बस बच्चे तो स्कूल कब के चले गए, अभी तो मैं सेकेंड बार टेरिस पर आई हूँ और मम्मी और भाईसा नीचे वो जो हरे चने आते हैं उनमें से चने निकाल रहे हैं क्योंकि हम चने की सब्जी बनाने वाले हैं। तो वो लोग नीचे अपना काम कर रहे हैं और मैं आई थी ऊपर। तो इसी के साथ आज 11 से इसलिए आप सबको पहले तो जय श्री कृष्णा और आप लोग बने रहिए हमारे एक नए ब्लॉग में। और ये देखो यहाँ पे थोड़े से भाईसा और मम्मी ने यहाँ पे ये चने रख दिए, बाकी इनमें से जो निकाल लिए फिर इनको अच्छे से धो के यहाँ पे पानी में नमक डाल के उबालने के लिए चढ़ा दिया। आज हम इनकी उबाल कर सब्जी बनाएंगे। जो मेरी मम्मी है राजस्थान में वो तो इनको कूट कर इनकी सब्जी बनाती है। और ये देखिए यहाँ पे चने हैं उबल चुके हैं, फिर चढ़ा दिया तेल, तेल गर्म हो गया, उसमें राई जीरा हींग डाल दी और यहाँ पे ये मसाला रेडी किया। इसमें हमने सूखी लहसुन की चटनी, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा दही डाला। और जो ये तेल था इसमें हमने थोड़ा सा बेसन डाला और अच्छे से इसको सेक लिया बेसन को तेल में। फिर जो मसाला रेडी किया वो इसके अंदर डाल दिया। और यहाँ पे ये हमने टमाटर और प्याज की प्योरी बनाई है, ये देखिए। फिर ये भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दी और अच्छे से 5 मिनट पकाने के बाद में जो चने हमने बॉईल किए थे वो इनके अंदर डाल दिए और अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। चने तो बॉईल हुए हुए थे इसलिए अब सब्जी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये देखिए 5 मिनट बाद में सब्जी हो गई रेडी। और आज है 11, तो मैं कर रही हूँ अभी मेरा सेगार। आज बनाया मासी ने ये सामा की खिचड़ी और साथ में मैंने ली छाछ। और आज तो मासी ने भी की है 11, मासी भी कर रही है सेगार। जय श्री कृष्ण। और हमारे हाउस हेल्पर आ चुकी है, वो कर रही है अपना काम। भी हो गई है शाम और अभी हमने चाय वगैरह पी ली। तो बस अभी शाम के लिए यहाँ पे मूंग मैंने धो दी, अब इनको इनमें पानी ऐड करके उबालने के लिए चढ़ा दूंगी। और यहाँ पे निकाल लिए सारे बर्तन धोने के लिए, पहले चढ़ा दूंगी मूंग। और यहाँ पे युवराज कर रहा है पढ़ाई। किसु अभी तक सो रही है, वो उठी नहीं है। युवी तू नहीं सोया? ना। के सो के उठ गया? नहीं सोया। आज नहीं सोया? चल ननंद भोजाई क्या करते बताते युवी, मैं चुपचाप जाती हूँ। हाँ ओ यहाँ पे ननंद भोजाई बातें कर रही है आपस में। अरे मम्मी मने देखने सही बाता के नहीं बाता करो मम्मी, कोई बात ले रही है वैसा माला फेर ली के दो, देखो दोनों ननंद हो जाए हाथ में दोनों के ही माला। अब मैं माला कर ली ना, मैं दोनों वाता में लाग गया है। और अभी हम बनाने वाले हैं आज फिर से एक बार गाजर का हलवा। ये अभी मार्केट से लेके आए गाजर और इनको अच्छे से धो ली, अभी इनको छीन रही हूँ यहाँ पे, फिर बनाएंगे हम लोग हलवा। यूवी है ना मासी, हमारे उपवास में भी काम आ जाएगा और बच्चों का भी फेवरेट है इसलिए सबके काम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बन रहा है गाजर का हलवा, मैंने इसमें दूध डाल दिया। और यहाँ पे मासी बना रही है बाजरी का रोटा। मेरा रोटा नहीं, ये बाजरी का रोटा है। मैंने 1 घंटा लगाया गाजर को घसने में, अब इस कुमार से 1 घंटा लग जाएगा ना कम से कम बनने में। युवराज मेरा मुंह नहीं आ रहा, तो पहले धोई झीली उसके बाद में करो, 1 घंटा तो हो ही जाता है ना पूरा। और अब बनने में लग जाएगा बस इसको। कितने बजे अभी बजे है? 7 बजे अभी। और ये देखिए गाजर का हलवा बनकर हो चुका है रेडी। और यहाँ पर मम्मी और भाईसा सब ने खाना खा लिया और वो लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे टीवी।
तो बस ये देखिए मैंने मेरे फाइनल मेहंदी लग चुकी है। तो इसी के साथ में आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।